Okay, let us solve 8th question. Question number 8 says that in the given figure A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively, such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is also parallel to QR. Okay, so let us draw the diagram. हम सारा कंक्लूजन सारा एनालिसिस डायग्राम को ड्रॉ करके ही करते हैं. सो दिस इज अ ट्रायंगल पी क्यू आर. ओके, दिस इज अ ट्रायंगल पी क्यू आर. इस ट्रायंगल में एक पॉइंट है ओ. इस ट्रायंगल में एक पॉइंट है ओ एंड ओ पॉइंट से यह तीनों वर्टाइसेस ज्वाइन किए गए हैं, ओ पी, ओ क्यू, ओके एंड ओ आर. इस तरह से ये तीनों वर्टाइसेस इस ट्रायंगल में हम ज्वाइन करते हैं. इसे वापस से करते हैं. एक पॉइंट हमने मार्क करा, पॉइंट ओ, ओपी को ज्वाइन कर दिया, ओक्यू को ज्वाइन कर दिया और ओआर को ज्वाइन कर दिया. ओके, लाइक दिस, ये तीनों पॉइंट्स इस तरह से ज्वाइन हैं. देन ए इज अ पॉइंट ऑन ओपी. इस ओपी पे एक पॉइंट है ए और इस ओक्यू पे एक पॉइंट है बी, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू. सो दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी. लेट अस मार्क देम. दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी. सिमिलरली ए सी इज पैरेलल टू पी आर. सी पॉइंट लाइज ऑन ओ आर सच दैट ए सी इज पैरेलल टू पी आर. ओके, एंड दिस इज द पॉइंट सी. Then I need to prove that this BC is parallel to QR. Okay? So figure कैसा है? एक triangle बना हुआ है, उसमें एक point है यहां पर O, OP, OQ and OR, ये तीनों vertices को join करने वाली lines हैं और इन तीनों lines पर तीन points हैं A, B और C. किस तरह से? सच दैट ए बी जो पॉइंट ए और बी पॉइंट इस तरह से है कि ए बी लाइन इज पैरेलल टू पी क्यू और ए सी पॉइंट इस तरह से अरेंज्ड है सच दैट ए सी इज पैरेलल टू पी आर एंड अवर टास्क इज टू प्रूव बी सी पैरेलल टू क्यू आर. ओके, सो लेट अस राइट द गिवन कंडीशंस. व्हाट इज गिवन? इट इज गिवन दैट ए बी is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Okay, AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. ये चीज हमें given है. Then to prove, what I need to prove? मुझे क्या prove करना है? मुझे prove करना है कि BC is parallel to QR. Okay? BC is parallel to QR, ये चीज हमें प्रूव करनी है. अगेन वही पॉइंट पे हम सोचेंगे कि BC parallel to QR, BC ये है और QR ये है, इन दोनों को हमें पैरेलल प्रूव करना है. कैसे प्रूव करें पैरेलल? हमने कॉन्वर्स पीपीटी में पढ़ा है पैरेलल प्रूव करने के लिए आपको साइड्स को प्रोपोर्शनल बताना पड़ेगा. अब कौन सी साइड को प्रोपोर्शनल बताएं? हम देख सकते हैं कि BC और QR, ओके, BC और QR दोनों ही साइड्स एक ट्रायंगल में लाई कर रही है, दैट इज ओ क्यू आर. ओके, बी सी और क्यू आर लाइज इन द ट्रायंगल ओ क्यू आर. सो आई नीड टू प्रूव दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर. इट मींस आई नीड टू प्रूव द साइड्स आर प्रोपोर्शनल.
how should I prove the sides are proportional and which sides I need to prove proportional. If I want to say that BC and QR are parallel, you can see I need to prove that this OB upon BQ is equals to OC upon CR. Okay, so our task is to prove OB upon BQ is equals to OC upon CR. तो अगर किसी तरह से मैं ये कंडीशन प्रूव कर देता हूं तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी की मदद से मैं ये कंडीशन प्रूव कर सकता हूं. ओके, सो डेफिनेटली हमें फोकस करना है इस कंडीशन पे, हमें कैसे भी करके ये कंडीशन को लेकर आना है. चलिए देखते हैं कैसे लाते हैं. प्रूफ, प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन कंडीशंस को देखिए. द फर्स्ट गिवन कंडीशन इज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू. ए बी और पी क्यू पैरेलल है. अब ए बी और पी क्यू कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं, हम एक ही थ्योरम जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. उसके लिए हमें ट्राइंगल चाहिए, तो हमें सबसे पहले ट्राइंगल को एनालाइज करना है. आई कैन सी ए बी और पी क्यू लाइज इन द ट्राइंगल पी ओ क्यू. ओके, पी ओ क्यू इस तरह से ट्राइंगल बना हुआ है, पी ओ क्यू. इस ट्राइंगल में दिस इज योर ए बी. Now, क्या दिख रहा है हमें कि AB एक वह लाइन है जो कि किसी ट्राइंगल की, जो कि इस ट्राइंगल के साइड के पैरेलल है, और यह लाइन बाकी की दो साइड्स को दो अलग पॉइंट्स पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है. सो डेफिनेटली यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एप्लीकेबल है. ओके, सो व्हाट आई कैन राइट इज सिंस AB इज पैरेलल टू PQ, AB और PQ पैरेलल है, सो इट कंक्लूड्स दैट दिस OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन BQ एंड दिस इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड आई विल कॉल दिस एज फर्स्ट इक्वेशन. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. OA अपॉन AP, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ये कंडीशन आ जाएगी बिकॉज ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल. ओके, सो फर्स्ट वाली कंडीशन, फर्स्ट गिवन कंडीशन से तो हमने ये चीज निकाल ली. नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड गिवन कंडीशन. सेकंड इज ए सी एंड पी आर आर पैरेलल. दिस इज ए सी, दिस इज पी आर. ए सी और पी आर कौन से ट्राइंगल में लाई करते हैं, यू कैन सी ए सी और पी आर लाइज इन द ट्राइंगल, लाइज इन द ट्राइंगल P O R. Okay, AC and PR lies in the triangle P O R. In this triangle, this is A and this is C. Okay, this is A and this is C. So AC is parallel to PR. It is given. Now, AC PR के पैरेलल है, हमें दिख रहा है AC एक वह लाइन है जो कि PR के, मतलब इस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है, और साथ में AC एक वह लाइन है जो कि इस ट्राइंगल की दो साइड्स को, दिस OP एंड OR को, OP एंड OR को दो अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो डेफिनेटली यहां पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एप्लीकेबल है. सो व्हाट आई विल राइट दैट कंसिडर ट्राइंगल पी ओ आर. ओके, यहां पर हमने कंसिडर किया था ट्राइंगल पी ओ क्यू, यहां पर पी ओ आर में कंसिडर करेंगे दैट ए सी इज पैरेलल टू पी आर. अगर ए सी और पी आर पैरेलल है तो यहां पर देखिए क्या कंडीशन बनती है. ए सी और पी आर के पैरेलल होने से यू कैन सी ओ ए अपॉन ए पी, यू कैन सी ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर. क्या कंडीशन मिलेगी हमें, that OA upon AB is equals to OC upon CR by basic proportionality theorem. Okay, OA upon AP is equals to OC upon CR by basic proportionality theorem, and I will call this as second condition. Okay, now observe the first condition and observe the second condition. You can see both have same LHS. Since LHS is same in both the conditions, both the equations, I can equate the two
and I can write from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we can conclude that OB upon BQ is equals to OC upon CR, okay, and I will call this as the third equation. Now अब ध्यान से देखिए, हमें यही प्रूफ करना था OB upon BQ is equals to OC upon CR, और हमने कहा था कि अगर ये कंडीशन आ जाती है तब हम बड़ी आसानी से प्रूफ कर पाएंगे कि BC और QR पैरेलल है. Now BC and QR lies in the triangle QOR, so let us draw the triangle QOR. This is Q, this is O and this is R, and this is the line BC and this is BC, okay, and you can see in this triangle OB upon BQ is equals to OC upon CR, OB upon BQ is equals to OC upon CR. So I will write, consider triangle QOR. In this triangle you will find that OB upon BQ is parallel to OC upon, is equals to OC upon CR, okay, from equation 3. Equation 3 से हमें ये condition मिलती है, from equation 3, and this condition will imply that BC is parallel to QR, okay, by converse of basic proportionality theorem, by converse of BPT, okay. So this is our task, this was our task to prove the two sides parallel, okay. So you can see हमने दोनों theorem को apply करा, पहले BPT apply करा, फिर BPT के बाद converse BPT apply कर दिया, okay, and we got the result. So this is the solution for question number 8. इसे नोट कर लीजिए, देन हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. इट सेज प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. ओके, सो यू नो दिस स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ थ्योरम दैट यू स्टडीड इन क्लास 9. आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा है और उस थ्योरम का ही ये एक स्टेटमेंट है. ओके, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल. ओके, सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 9, देयर इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी. अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द अदर साइड, इट मींस इस ट्रायंगल में किसी एक साइड से मैं, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि एक दूसरी साइड के पैरेलल हो. ओके, एंड दैट लाइन विल आल्सो बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ए बी के मिड पॉइंट से, लेट अस से डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इस डी पॉइंट से बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, BC के पैरेलल एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी. ओके, एंड दिस लाइन लेट अस से इट इंटरसेक्ट AC एट E. ओके, दिस लाइन, दिस DE लाइन इंटरसेक्ट AC एट E. DE इज पैरेलल टू BC एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ AB. ओके, देन आई नीड टू प्रूव दैट दिस DE also bisects AC. okay, क्या कहा हमने, इस ट्राइंगल ABC में AB साइड से, AB साइड के मिड पॉइंट से एक BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी. ओके, एंड दिस लाइन इज ऑल्सो बाइसेक्टिंग AC, हमें ऐसा प्रूव करना है. तो गिवन क्या है हमें, सबसे पहले गिवन कंडीशन को एनालाइज करते हैं. गिवन है हमें एक ट्राइंगल ABC और गिवन है D इज द मिड पॉइंट, D एक मिड पॉइंट है ऑफ AB, D AB का मिड पॉइंट है, ये भी हमें गिवन है, और हमें गिवन है दैट DE इज पैरेलल टू
BC, DE जो है वह AC के पैरेलल है, ये भी हमें गिवन है। फिर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट इज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ऐसा हमें प्रूफ करना है, या फिर कहें AE इज इक्वल्स टू EC है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ओके नाउ अब हमें गिवन कंडीशन को ध्यान से देखना है। गिवन कंडीशन में गिवन है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो जहां हमें ये दिखाई देता है कि कोई एक लाइन किसी ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल है, तो एक ही थ्योरम ध्यान में आती है, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। इफ यू कंसिडर ट्रायंगल ABC, यू विल से दैट DE इज पैरेलल टू BC। अब अगर DE BC के पैरेलल है तो क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? अगर DE BC के पैरेलल है तो हम देख सकते हैं DE एक वह लाइन है जो कि इस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है, और बाकी की दो साइड्स को यह DE लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम कहेंगे सिंस DE इज पैरेलल टू BC, वी कैन कंक्लूड दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बाय BPT आई कैन राइट दिस कंडीशन, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। नाउ आफ्टर दिस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इफ D इज द मिड पॉइंट आई कैन राइट AD इज इक्वल्स टू DB, ओके, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट, क्योंकि D मिड पॉइंट है इसीलिए AD इज इक्वल्स टू DB मैं लिख सकता हूं, मैं ऐसा कह सकता हूं कि हाँ ये AD और DB बराबर है बिकॉज ऑफ D इज द मिड पॉइंट। सो एनालाइज दिस इक्वेशन, आई विल कॉल दिस एज फर्स्ट इक्वेशन, आई विल कॉल दिस एज सेकेंड इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि मैं AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC में इस कंडीशन में AD और DB को कैंसिल कर सकता हूं। वाई? From equation 1 and 2, equation 1 and 2 की मदद से मैं कह सकता हूं कि AD और DB तो बराबर हैं, तो यहां पर इन्हें कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करके क्या जीरो आएगा? नहीं, यहां पर हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम डिवीजन कर रहे हैं। तो 4/4 लिखते हैं तो इट बिकम्स 1, तो AD अपॉन DB को भी कैंसिल करने पे 1 बनेगा, तो इसीलिए यहां पर आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। फ्रॉम दिस अगर मैं EC को यहां शिफ्ट करता हूं, यू विल गेट EC इज इक्वल्स टू AE। सो दिस प्रूव्स दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। दिस स्टेटमेंट प्रूव्स दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो हमने प्रूव कर दिया कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यू कैन सी इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ दो लाइन का सॉल्यूशन है और ये आ गया। ओके लेकिन ये कब आया? जब हमने गिवन कंडीशंस टू प्रूव सब चीज को प्रॉपरली लिखा। प्रॉपरली अगर आप नहीं लिखेंगे तो शायद एनालाइज भी ना कर पाए, इसीलिए ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप गिवन लिखें, टू प्रूव लिखें, कंस्ट्रक्शन लिखें, देन प्रूफ लिखें और फिर कंटिन्यू करें। ओके सो वी हैव प्रूव्ड दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ओके So this completes question number 9. Then move to question number 10. Question number 10 says, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. Okay. Question number 10 is just the reverse of this question. हमें question 10 में कहा जा रहा है, prove that the line joining the midpoints of any two sides of the triangle इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कैसे? मतलब क्वेश्चन नंबर 10, अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं,
दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज अ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में मैं कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट मार्क करता हूं, लेट अस से दिस इज डी एंड लेट अस से दिस इज ई, ई एंड डी आर मिड पॉइंट्स, ऐसा हम मान लेते हैं। हमें यह बताना है कि एक लाइन जो कि इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वह लाइन बी सी के पैरेलल है, वह लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है। एक ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ओके, नाउ गिवन कंडीशंस, गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी गिवन है, और क्या गिवन है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, और आई कैन राइट इट एज ए डी इज इक्वल्स टू डी बी एंड ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। मैं ऐसा लिख सकता हूं, गिवन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी में क्या गिवन है, ए डी और डी बी बराबर है, ए डी और डी बी, और सिमिलरली ए ई और ई सी भी बराबर है, ऐसा हमें गिवन है। नाउ वॉट वी नीड टू प्रूफ, अगर ये गिवन है तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अगेन, अब देखिए, अगर मुझे दो साइड्स को पैरेलल, दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है तो किस कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी प्रोपोर्शनैलिटी की। अगर मैं इस ट्राइंगल में ध्यान से देखता हूं तो डी ई एक वह लाइन है जो कि बी सी के सामने है, ओके, जो कि बी सी को पैरेलल करनी है, हमें ऐसा प्रूफ करना है। हम देख सकते हैं डी ई एक वह लाइन है जो कि इन इस ट्राइंगल के किसी दो साइड्स को दो अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है। अगर ऐसा है तो यहां पर मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में सोचता हूं, और हम ये देखते हैं कि क्योंकि मुझे पैरेलल प्रूफ करना है, प्रोपोर्शनल नहीं करना, तो इसका मतलब पैरेलल प्रूफ करने के लिए कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी की जरूरत पड़ेगी। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमें क्या करना है, अगर हम इस ट्राइंगल में किसी भी तरह से AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्रूफ कर दें, अगर किसी भी तरह से AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्रूफ कर दें, तो हम कॉन्वर्स बीपीटी की मदद से कह सकते हैं कि हाँ DE इज पैरेलल टू BC, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं प्रूफ। नाउ कैसे करेंगे देखते हैं, गिवन कंडीशन है सबसे पहले AD इज इक्वल्स टू DB। अब देखिए AD इज इक्वल्स टू डी बी, ये कंडीशन हमें गिवन है। क्या इस कंडीशन से मैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू वन लिख सकता हूं, कैसे, इस डी बी को यहां शिफ्ट कर दीजिए, डी बी को आप आर एच एस से उठा के एल एच एस में शिफ्ट कर दीजिए, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू वन आ जाएगा, और इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली मेरे पास है ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, इस कंडीशन से मैं ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू वन लिख सकता हूं, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू वन, कैसे, ई सी को आर एच एस से उठा के एल एच एस में शिफ्ट कर दिया, तो ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, वन, एंड आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर टू। अब अगर आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ध्यान से देखें तो दोनों ही इक्वेशन में आर एच एस सेम है, दैट इज वन एंड वन, सो आई कैन इक्वेट बोथ द इक्वेशन, I can write from equation 1 and 2, from equations 1 and 2, I will get AD upon DB is equals to AE upon EC. मैं इस condition को लिख सकता हूँ, मैं इस condition को कह सकता हूँ, AD upon DB किसके बराबर है, AE upon EC. Now, if AD upon DB is equals to AE upon EC, यही चीज हम ढूंढ रहे थे, यही हम प्रूफ करना चाह रहे थे, because अगर ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है तो इस कंडीशन से मैं कह सकता हूं that DE is parallel to BC. How? By converse of basic proportionality theorem. By converse of BPT, मैं कह सकता हूं कि DE इज पैरेलल टू BC, ओके, सो हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। सो आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चंस इजी हैं, डिफिकल्टी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ओके, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक थ्योरम का प्रूफ है, एक थ्योरम जो हमने नाइन्थ क्लास में कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ी थी, उस थ्योरम को हम
सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में इस चैप्टर के थ्योरम से, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से प्रूव कर रहे हैं. ओके, सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 10. इसे नोट कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं. ओके, लेट अस नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द प्रैक्टिस शीट. क्वेश्चन नंबर 11 सेज, इन द गिवन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर एंड पी एस टी इज इक्वल्स टू एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू. प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल. ओके, सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 11. The diagram is a simple triangle PQR. It's a triangle PQR. In this triangle, ST is a line inside this triangle. Okay, it is touching PQ at S and PR at T. So this is a line. And it says PS upon SQ. Okay, PS upon SQ is equals to PT upon TR. So if I write the given conditions, given is PS upon SQ is equals to PT upon TR. This is the given condition. Okay, PS upon SQ is equals to PT upon TR. And one more thing is given, that angle PST is equals to angle PRQ. Okay, angle PST is what? Angle PST is this angle. This is equal to angle PRQ. PRQ is this angle. Okay, this is the PRQ angle. And this is PST angle. So we have these two angles as equal. It is given. Okay. Prove that PQR is an isosceles triangle. So we need to prove. We need to prove that triangle PQR is an isosceles triangle. Now, what is an isosceles triangle? An isosceles triangle is a triangle in which only two sides or any of the two sides are equal. Okay. The two sides of a triangle are equal, then I will call it as an isosceles triangle. So ultimately I need to prove it isosceles triangle. It means I need to prove any two sides as equal. Mujhe kisi bhi do sides ko barabar batana hai. Okay. So the task is to prove any two sides equal. किन्हीं भी दो साइड्स को बराबर बताइए, इक्वल बताइए, तब हम कहेंगे कि हाँ ये ट्राइंगल आइसोसेलस ट्राइंगल है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. वी विल एनालाइज द गिवन कंडीशंस. नाउ आई कैन सी दैट द फर्स्ट कंडीशन इज पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर. पी एस अपॉन एस क्यू इज पी टी अपॉन टी आर. नाउ ये अगर रेशियो इक्वल दिया है, अगर ये प्रोपोर्शनल साइड्स दिए हुए हैं, तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? यहां पर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. कौन सा? कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी. ओके, व्हाई? बिकॉज रेशियो दिया है. ओके, रेशियो को यूज करना है, रेशियो गिवन है. सो इन ट्राइंगल पीक्यूआर ट्राइंगल में आई कैन कंसिडर दैट PS upon ST SQ is equals to PT upon TR. Triangle PQR में क्या given है? PS upon SQ is equals to PT upon TR. PS upon SQ is equals to PT upon TR. ये चीज given है. Now, in this given condition, using this condition, I can write that ST is parallel to QR by converse of BPT. By converse of BPT, by reverse of BPT,
I can write that SQ ST is parallel to QR. और ये चीज समझाना कोई बड़ी चीज नहीं, आपके समझ में आ गई होगी क्यों ये दोनों पैरेलल मैंने कहा ये कंडीशन को यूज करके, जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ दैट थ्योरम. नाउ सिंस ST और QR पैरेलल हैं, ST एंड QR आर पैरेलल, सो आई कैन सी दैट इन दिस ST एंड QR दिस इज द एंगल PST एंड PQR, दिस एंगल. ओके, what I want to say is, I will say that consider angle PST and angle PQR. क्योंकि ST और QR parallel हैं, तो जब मैं इन दो angles को consider करता हूँ, क्या इन दोनों angles के बीच में कोई relation आपको दिखाई देता है? PST, PST और PQR, इन दोनों angles के बीच में कुछ relation दिखाई देता है? Yes, वह रिलेशन है दैट एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर वाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. यह दोनों एंगल्स कैसे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों है? वाई इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग? इट्स बिकॉज एस टी और क्यू आर पैरेलल हैं और पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है. ओके, एस टी एंड क्यू आर पैरेलल, PQ is a transversal, that's why these two angles are equal. Okay? But if these two angles are equal, that is PST and PQR are equal, but it is also given that angle PST is equal to angle PRQ. Okay? PST PQR ke bhi barabar hai, PST PRQ ke bhi barabar hai. So can I write that since angle PST is also equals to angle PRQ, then I can write, now this is the given condition. ये given condition number 2 था, इसको हमने use करा. PST is equal to PQR, PST is equals to PRQ. So I can write angle PQR is equals to angle PRQ. This is the most important condition. Now what you can see in this triangle, ये और ये angle, यह दोनों angles कैसे हैं? इक्वल है. ओके, सो नाउ कंसिडर ट्राइंगल पी क्यू आर. अब अगर आप पी क्यू आर ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं, इन दिस ट्राइंगल यू कैन सी दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू. पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों एंगल्स बराबर है. नाउ इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल, दिस विल इंप्लाई दैट पी आर इज इक्वल्स टू पी Q. Why? It's because sides opposite to equal angles are equal. Okay, it's because sides opposite to equal angles are equal. Opposite side ke sides opposite to equal angles are equal, मतलब equal angles के opposite में जो sides हैं वह भी equal होती हैं, that's why PR and PQ are equal. So हमने इस triangle में दो sides को equal prove कर दिया. What does this imply? It implies triangle PQR is isosceles. Okay? This implies that triangle PQR is an isosceles triangle. So this is a question. It also contains some different concepts. It also contains the concept of corresponding angles that you have studied in your previous class. तो ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री में जो आपने एक क्लास में पढ़ के छोड़ दिया वो खत्म हो गया, वो अगली क्लास में भी रिपीट होता है. अब जो आप टेंथ में सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं ये आगे भी रिपीट होगा क्लास इलेवेंथ में, चाहे आप इकोनॉमिक्स लें, दैट इज कॉमर्स लें, या फिर आप मैथमेटिक्स लें, या फिर आप बायोलॉजी लें, आप कोई भी फील्ड चूज करें, ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स वाला जो टॉपिक है ये फिर से रिपीट होगा, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला. ओके, तो इसीलिए इसे ध्यान से पढ़िए. सो ट्राइंगल पी क्यू आर हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ आइसोसेलस प्रूफ कर दिया है, और क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है. इसे नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं.